व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर कोच अंशुल। आज मैं लेकर के आया हूँ प्रोडक्ट रिव्यू। प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर है मेरे पास CLA है। CLA जैसा कि आप देख रहे हैं, ये CLA जो है ये MP का मेरे पास पड़ा है, मसल फार्म ब्रांड का पड़ा हुआ है। ब्रांड डजंट मैटर, ब्रांड के बारे में बाद में बात करेंगे अपन। CLA काफ़ी ही फेमस सप्लीमेंट है वेट लॉस के पर्पज़ से, तो मैं सोचा कि क्यों ना क्विक एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने क्लाइंट को एजुकेट करते हैं और स्मार्ट बनाते हैं, ताकि वो ट्रैप नहीं हो और अच्छे सप्लीमेंट यूज करें अपने गोल के अकॉर्डिंग। तो जो CLA होता है, ये होता है लैनोइक कंजक्टिक एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैट होता है। इसके ऊपर बुक भी है, क्रिस एसिटेनो का बुक लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बुक है। आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से एंड ऑल। उसमें बहुत डीप थ्योरी उन्होंने लिखा है कि वेट लॉस में कैसे मैजिक करता है, क्या होता है, तो आप पढ़ सकते हैं, आपको शौक है तो। ये इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है। ये नेचुरल फॉर्म में थोड़ा सा अलग होता है, इसको जब सप्लीमेंट फॉर्म में ऐड करते हैं तो उसको कार्बन का बिग चेन होता है, हाइड्रोकार्बन का बिग चेन होता है। तो इसको जब सेपरेट फॉर्म में ऐड करते हैं तो थोड़ा सा अलग, सप्लीमेंट फॉर्म में जब यूज करते हैं तो होता है। ये नेचुरल पाया जाता है, हमें डेयरी प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट के अंदर मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मिलता है, लेकिन उसके साथ में अगेन सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा आता है, तो आपके हार्ट का डिजीज होने का संभावना रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो अपन इतना डेयरी प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको सेपरेट अलग से सप्लीमेंट फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया। नेचुरल फॉर्म में फैट जब नेचुरल फॉर्म में होता है तो कार्बन के बिग चेन होता है, बिग चेन ऑफ कार्बन। तो एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। तो मॉलिक्यूल जो है सेम साइड में अगर रहता है एंड एक रहता है अपोजिट साइड में, तो अनस्टेबल फॉर्म में एक्चुअली होता है, उसको स्टेबल फॉर्म में हम करते हैं तो पोजिशन चेंज कर देते हैं, 12 से 10 के जगह पर लेकर के आते हैं। एंड आप बात करेंगे कि ये फैट हो तो फैट लॉस में कैसे मदद करता है, हाँ तो एक इंजाइम होता है, लाइकोप्रोटीन नाम का इंजाइम होता है, वो फैट को स्टोर करता है, तो उसको ये क्या करता है, सरप्रेस करता है, सरप्रेस करेगा, तो आपकी बॉडी फैट स्टोर नहीं करेगी, फैट में स्टोर नहीं होगा, आप जो खाओगे फूड वो फैट में स्टोर नहीं होगा, मेटाबोलाइज होगा फिर तो। एंड अब रिसर्च पेपर जो पब्लिश रिसर्च पेपर है वो ये कहता है कि 0.22-0.45 फैट लॉस पर वीक होता है, एक वीक में, मतलब पर डे में 3 ग्राम से 6 ग्राम तक आपका वेट लॉस होता है। ये स्टडी पाया गया है, जो पब्लिश रिसर्च पेपर है स्टैंडर्ड, वो इतना इसके थ्रू होता है। एंड ये नेचुरल है, आप यूज कर सकते हो, पॉली अनसेचुरेटेड फैट है, 100% यूज कर सकते हो, सेफ है। तो ये है इसका रिव्यू। इसको इसका डोजेज जो है, डोजेज 4 पिल्स तक आप ले सकते हो, मतलब 1 ग्राम से 6-7 ग्राम तक यूज कर सकते हो, अंडर कैलोरी लिमिट रहो, कैलोरी डिफिशिएट में रहो, ज़्यादा ओबीज हो तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में भी इसको यूज कर सकते हो, रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है, सेफ है। बट अगेन अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रह कर के यूज कर सकते हो, अगर प्रेगनेंसी है, अगर मेडिकल कंडीशन है कुछ, अपने डॉक्टर प्रोफेशन से पूछोगे उसके बाद ऐड करोगे। आप जो इसकी टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट के बाद में एक ऐड कर सकते हो, लंच के बाद में एक ऐड कर सकते हो, डिनर के बाद में एक ऐड कर सकते हो, हेवी मील के बाद में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट रिव्यू में मैं लेके आऊँगा L-carnitine के बारे में, और उसके बाद मैं ले आऊँगा एक वीडियो L-carnitine और CLA में दोनों में से कौन सा बेस्ट है वो भी मैं बताऊँगा आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ में। सी यू गाइज, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।